पटियाला के अंदर अभी हम आए हुए हैं शीश महल घूमने के लिए, तो आपको मैंने ये पूरा नज़ारा पटियाला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं पटियाला शहर के अंदर स्थित शीश महल में। यह स्थान पटियाला शहर के अंदर एक मुख्य दार्शनिक स्थानों में से एक है, जिसका निर्माण 1847 ईस्वी में महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा करवाया गया था। शीश महल ऑफ पटियाला, जो कि पुरानी विरासत, राजा महाराजा जो हमारे देश में रहा करते थे उनकी विरासत को दर्शाता है। तो अभी हम ऐसी एक जगह पर खड़े हैं जिसके बारे में जानकर आपको गर्व ज़रूर होगा कि हमारे देश में भी ऐसे राजा हुआ करते थे जो शानो शौकत के साथ जीते थे। झूला जो आप सामने देख रहे हैं, इस झूले को लक्ष्मण झूला भी कहा जाता है। हालांकि उस समय जो बनाया गया था इस झूले को, जो बंगाल का पुल है, हावड़ा ब्रिज के ऊपर पुल बनाया गया है, उसी की कॉपी यहां पर बनाई गई थी। अंग्रेज़ों ने पुल बनाया था अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन यहां के राजा ने अपने महल के अंदर ही ऐसा पुल बना लिया था, जिसको आज लक्ष्मण झूला भी कहते हैं। और लक्ष्मण झूला इसको इसलिए कहते हैं कि हरिद्वार अगर आप गए हैं वहाँ पर भी लक्ष्मण झूला है, तो इसकी बनावट उस पुल के बराबर ही है, उस पुल के जैसे ही है, जिसके कारण इसका नाम लक्ष्मण झूला भी डाल दिया गया है। इस पूरे महल को बनाने में आकर्षक रंगीन कांचों का उपयोग किया गया था, जो कि इस महल की भव्यता को और निखार देते थे, जिसके कारण इस महल का नाम शीश महल डाल दिया गया था। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आकर्षण केंद्र बनाए हुए हैं जहाँ पर पर्यटक बहुत दूर दूर से, देश विदेश से देखने के लिए और घूमने यहाँ पर आते हैं। यहाँ का जो म्यूज़ियम है, जो कि फ़िलहाल बंद है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको इस म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगी जो आपने शायद पहले इससे कभी ना देखी हो। यहाँ पर बहुत सारी रियासतों के सिक्के रखे हुए हैं। यह महल मोतीबाग पैलेस के बिल्कुल पीछे ही बना हुआ है और मुख्य आकर्षण का केंद्र है। अगर आप पटियाला आते हैं तो यहाँ ज़रूर आएं। देखिए, जो आर्ट गैलरी है वो भी बंद है, जिसके कारण आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल किले को मेंटेनेंस में रखा गया है, किले के अंदर मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर विजिटर्स अभी उतने ज़्यादा अलाउ नहीं है, और जिसके कारण आप इसको खाली खाली सा देख रहे होंगे। अदरवाइज़ ये जो है ये पूरा भरा हुआ होता है एक टाइम पे। तो अभी ये खाली इसलिए है क्योंकि यहाँ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, अंदर मुरम्मत चल रही है दीवारों की, क्योंकि बहुत पुरानी इमारत हो चुकी है, तो आर्ट गैलरी को भी दोबारा से बनाया जा रहा है। जो लक्ष्मण झूला यानी जो हावड़ा ब्रिज है, जो इस महल के अंदर बनाया है, हावड़ा ब्रिज की कॉपी हम कह सकते हैं, तो उसको मैं बिल्कुल पास से आपको दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर भी गेट लगाया हुआ, ये भी बंद है अभी। अदरवाइज इसके ऊपर से भी हम चल के दूसरे साइड जा सकते थे। इस महल की खस्ता और बिगड़ती हुई हालत देखते हुए 2009 में इसे बंद कर दिया गया था, और इसके बाद इसका मरम्मत का काम शुरू हुआ जो 2017 में ख़त्म हुआ। अब दोबारा से इसमें मेंटेनेंस हो रहा है, जो कुछ समय से इसे दोबारा बंद कर दिया गया है। खाने रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये पुराने ज़माने में जब अंग्रेज़ों का हमारे पर राज हुआ करता था हमारे देश के ऊपर, तो इस तरह के जो तोप खाने यूज़ किए जाते थे। ये इस म्यूज़ियम के अंदर, इस किले के अंदर इसको संभाल के रखा गया है। पूरी लक्कड़ की बनावट होती थी, पिछला हिस्सा जो है बिल्कुल लक्कड़ का है, और ये बहुत पुराना होने के कारण आज ये टूट चुका है एक तरह से। कोई तोप ही है जो उस समय यूज़ किए जाते थे, जो महाराजाओं के महल में रखा गया, एक तरह से महाराजा पटियाला का महल हुआ करता था एक समय में, तो उस समय यूज़ किए जाने वाले जो हथियार थे, म्यूनिशंस थे, वो इनको यहाँ पे रखा हुआ है। तो
दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जो शीश महल के ऊपर बनाई गई है, पटियाला शीश महल। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कैसा लगा कमेंट में बताएं। अब अगली वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे आपको लेके चलता हूँ किसी और एक नई जगह पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।